हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जिस केस के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इस केस ने मेडिकल साइंस की दुनिया को हैरान कर दिया था। ये केस साउथ अफ्रीका के एक आदमी मार्टिन पिस्टोरियस का है। ये आदमी 12 साल तक अपने ही जिस्म में कैद रहा, लेकिन कैसे? कहानी तब शुरू होती है जब मार्टिन पिस्टोरियस सिर्फ 12 साल का था। ये एक नॉर्मल सा हेल्दी बच्चा था जो अपने माँ बाप और दो बहन भाइयों के साथ साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में रहता था। ये बात 1980s के आखिर की है जब मार्टिन की एक दिन तबीयत खराब हो गई और इसके गले में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन इसको अंदाजा नहीं था कि ये आम सा दिखने वाला दर्द दरअसल इसकी जिंदगी तब्दील कर देगा। ये जब उस दिन स्कूल से वापस आया तो इसको सर्दी लग रही थी, इसको गले में दर्द भी था जैसे इसको फ्लू हुआ हुआ हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मार्टिन अब कभी भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, मार्टिन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही महीनों में मार्टिन की बॉडी ने हरकत करना छोड़ दी। ये आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होना शुरू हो गया। डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि मार्टिन को असल में हुआ क्या है। ये सांस ले रहा था, इसकी आंखें भी खुली थीं, लेकिन मार्टिन ना तो बोल सकता था, ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर सकता था और ना ही कोई हरकत कर सकता था। ये एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को बताया कि मार्टिन एक कोमा में चला गया है, जहां ये ना तो किसी को सुन सकता है, ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर सकता है और ना ही किसी को महसूस कर सकता है। यानी मार्टिन की सिर्फ बॉडी वहां मौजूद थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मार्टिन के पास बहुत कम टाइम बचा था और ये कभी भी मर सकता था। ये खबर सुनकर मार्टिन की फैमिली के होश उड़ गए कि मार्टिन की बॉडी तो इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये खुद उनके साथ मौजूद नहीं है। मार्टिन के पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि अब वो क्या करें। मार्टिन एक कोमा में चला गया था। मार्टिन के वालिद रॉडनी को रात में हर 2 घंटे के बाद उठना पड़ता था ताकि मार्टिन का ध्यान रख सके, लेकिन मार्टिन को खुद कोई एहसास नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, लेकिन किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि तकरीबन 4 साल के बाद मार्टिन को होश आना शुरू हो गया था। मार्टिन इस कोमा से बाहर आ रहा था। मार्टिन को लगता था कि इसके दिमाग में हर तरफ धुंध भरी हुई है। इसको इतना अंदाजा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जैसे ये कोई ख्वाब देख रहा है। और फिर कुछ ही अरसे में मार्टिन को मुकम्मल होश आ गया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया। मार्टिन को होश तो आ गया, लेकिन ये ना तो बोल सकता था और ना ही हिल सकता था। ये होश में था, ये बात सिर्फ मार्टिन खुद ही जानता था। यानी इसको सब पता था कि कौन क्या बोल रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता थी। यानी मार्टिन एक ऐसे सुनसान जजीरे में मौजूद था जहां ये अकेला फंस चुका था और सिर्फ सोच सकता था। आप इमेजिन करें कि हमें कोई सिर्फ कुछ घंटों के लिए किसी बेड पर लेटने को कहे और हिले बगैर सिर्फ सोचने को कहे। जाहिर सी बात है कि इस हालत में इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। और मार्टिन का मसला तो ये था कि ये अपनी हालत के मुतालिक किसी को इशारा कर भी नहीं बता सकता था। मार्टिन खुद को किसी जिन की तरह समझता था कि ये इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है। इस दौरान इसकी फैमिली में और दुनिया में बहुत कुछ हुआ। इसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, इसके घर कौन से मेहमान आ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मार्टिन को सब कुछ पता चल रहा था। ये दुखी होता था, खुश होता था, डिप्रेस फील करता था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि मार्टिन होश में भी है। इसको मेडिकल साइंस की दुनिया में वेजिटेटिव स्टेट भी कहते हैं। इस दौरान एक दफा तो इसकी मां ने इसको चीख कर यहां तक कह दिया था कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि ये इसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मार्टिन सब सुन रहा है। मार्टिन के वालिद ने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। इसके साथ साथ मार्टिन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक औरत के पास भी थी। दोस्तों, जब मार्टिन 25 साल का हुआ और इसको लगा कि अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा और अब इसकी सोच ही इसकी दुनिया है, तो एक दिन एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने मार्टिन की जिंदगी फिर से तब्दील कर दी। वो औरत जो मार्टिन का ख्याल रखती थी, उसको एहसास हुआ कि मार्टिन दरअसल होश में है और ये सबको सुन सकता है। इस दौरान मार्टिन ने तकरीबन 12 साल इसी हालत में गुजार दिए थे।
ये अपनी बॉडी में ही कैद था। बहरहाल जब इस औरत ने इसकी फैमिली को इस चीज का बताया तो इसकी फैमिली फौरन इसको हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पता चला कि मार्टिन वाकई होश में है। दोस्तों कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन के ऊपर थेरेपीज की गई और कुछ ही महीनों में एक कंप्यूटर के जरिए मार्टिन लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू हो गया और फिर इसने अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताई कि कैसे ये पिछले कई सालों से होश में था और अपने ही जिस्म में फंस चुका था। हैरतअंगेज बात यह हुई कि मार्टिन वैसे तो व्हीलचेयर पर ही मौजूद था और बोल नहीं सकता था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। मार्टिन ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया जहां इसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा और फिर अपनी एक वेब कंपनी तक बना ली और काम करना शुरू हो गया। इस दौरान मार्टिन की शादी इसकी बहन की दोस्त से हो गई जो यूके में रहती थी और मार्टिन भी यूके में ही शिफ्ट हो गया। दोस्तों यहां तक कि मार्टिन गाड़ी चलाना शुरू हो गया जो मार्टिन के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। 2011 में मार्टिन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम घोस्ट बॉय था और इसकी कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आज मार्टिन यूके में ही मौजूद है और इसको घोस्ट बॉय के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसकी मेमोरी सिर्फ 7 सेकंड्स की है, यानी ये भूल जाता है कि 7 सेकंड्स पहले क्या हुआ था। इसके बारे में भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मार्टिन पिस्टोरियस की ये हैरतअंगेज और मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे इस चैनल की जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।